वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं मनोविज्ञान के अर्थ के ऊपर डिस्कशन करने। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के ऊपर डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ के बारे में चर्चा की थी। और आज भी इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं मनोविज्ञान के जो विभिन्न अर्थ आए और उसके साथ ही उसमें क्या परिवर्तन आया, क्यों उसमें परिवर्तन आया, इस सब पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जो है इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, इस सीरीज को पूरी तरह से देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखें मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ था, मनोविज्ञान का मतलब जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसके बारे में रैबन कहते हैं। रैबन के अनुसार है, मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। ठीक है, तो अरस्तु के समय में जो है मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र के रूप में चला करता था। वह आगे चल के धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन आए और जो है इसके अर्थ में परिवर्तन आता चला गया और उसका नाम चेंज होकर मनोविज्ञान हो गया। सो चलो देखते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे कि मनोविज्ञान का जो है अर्थ क्या है। पहले तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। और इंग्लिश भी इसका इंग्लिश अर्थ भी हम लोग समझे थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो है मनोविज्ञान के अर्थ के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और फिर इसमें क्या क्या परिवर्तन आते गए इसके अर्थ में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको जो है आज सारे चीज़ें पता चल जाएंगे कि मनोविज्ञान का जो है अलग अलग अर्थ क्यों और कैसे आता गया। तो मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन, समय के साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कैसे कैसे परिवर्तन आता गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगोस। ठीक है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है इसी शब्द के अर्थ से ही इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था और इसके जो प्रतिपादक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, यानी कि प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। लेकिन ये परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। क्यों अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा का आकार कैसा होता है, रूप रंग क्या होता है, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सका। कोई प्रमाण इसका नहीं मिल सका कि हम आत्मा को देख सकते हैं, क्या आत्मा को हम समझ सकते हैं। तो इस सब उत्तरों को ना दे पाने के कारण आत्मा का विज्ञान जो मनोविज्ञान का एक अर्थ था, इसे अस्वीकार होना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद ही जो है आत्मा का जो विज्ञान था ये तो अस्वीकार हो गया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में फिर जो है मनोविज्ञान का एक नया अर्थ आ गया, मनोविज्ञान को जो है मन का विज्ञान कहा जाने लगा। अब ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है रियल में वही होता है, जैसे कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान हो गया और मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मन का विज्ञान होता है। तो शाब्दिक अर्थ तो वही है, लेकिन मनोविज्ञान जो है शाब्दिक अर्थ के साथ इसको जो है हमें व्यवहारिक अर्थ में भी लाना था। तो जो मन का विज्ञान था ये वर्ड जो है अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो मन है ये क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसका रंग रूप आकार कैसा होता है, मन को क्या हम किसी के पढ़ सकते हैं, तो इन सब प्रश्नों का वह उत्तर ना दे पाने के कारण मन का जो विज्ञान है यह भी अस्वीकार हो गया। इसका जो प्रतिपादन हुआ था, यानी कि ये जो माना गया था 17वीं शताब्दी में माना गया था, और इसके प्रतिपादक थे पोम्पोनोजी थॉमस रीड। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि मन को भी कोई नहीं पढ़ सकता है ना ही देख सकता है। तो इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो है 19वीं शताब्दी में एक और परिभाषा यानी कि एक और अर्थ सामने आया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब यहाँ पर क्या था कि चेतना जो अर्थ है इसका भी जो है कई मत थे, यह एक मत नहीं था। इसमें जो है इसमें क्या है, जो चेतना होता है उसमें एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है, तो इसमें भी एक मत नहीं आ पाई। इसकी वजह से भी जो है इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया।
तो इसका जो समय था जब इसे स्वीकार किया गया था 19वीं शताब्दी, और इसके प्रतिपादक थे विलियम बुंड और जेम्स टिचनर, ठीक है। और ये परिभाषा भी अपनी एक मतता ना होने की वजह से, उसका एक अर्थ का जो मत था वो सही नहीं निकलता था, इसकी वजह से जो है इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद सबसे अंत में आया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में वैसे तो बहुत सारे अर्थ आए मनोविज्ञान के, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता मिली मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इस मान्यता को, मतलब इस परिभाषा को सबसे ज़्यादा जो है मान्यता मिली। और इसका समय क्या है, 20वीं शताब्दी, और इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन, और यह परिभाषा स्वीकार कर ली गई। और मनोविज्ञान का जो ये व्यवहार का विज्ञान है रियल है, हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देख के, उसके जो है हाव भाव को देख के पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति की स्थिति, मन स्थिति क्या है। तो यह जो मनोविज्ञान की परिभाषा है सर्वमान्य है, और आगे भी परिभाषाएँ परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में यही परिभाषा मान्य है। तो इस तरह से जो है मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन आता चला गया, और अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, और इसके प्रतिपादक प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टा थे, ठीक है, ये परिभाषा स्वीकार हो गई। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में आया मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, और इसके प्रतिपादक थे पेम्पोनॉजी, थॉमस रे, ठीक है, और यह भी परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में आया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और इसके प्रतिपादक हैं विलियम बुंड और जेम्स टिचनर, ठीक है, और यह परिभाषा भी अस्वीकार हो गई। फिर फोर्थ नंबर पे आया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, और इस जो है ये क्या है 20वीं शताब्दी में आया था, और इसके प्रतिपादक थे वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन, ठीक है, और यह परिभाषा स्वीकार है क्योंकि हम मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सो इसके आगे है मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन तो आता गया, लेकिन अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया। और व्यवहार का विज्ञान मानकर ही कुछ वैज्ञानिकों ने हम लोगों को जो है कुछ परिभाषाएँ बताई हैं, तो आज चलो ये एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसको जो है अध्ययन जरूर कर लीजिए, और वहाँ पर एग्जाम में पूछते भी हैं कि यह जो है परिभाषा किसके अनुसार है, तो वहाँ पर जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें जो है कुछ ना कुछ परिभाषाएँ याद कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं पहले एक परिभाषा की तरफ कि मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान कहा गया, तो वाटसन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ठीक है। वाटसन ने ये माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो वैसे ही वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। तो क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उस, वह क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ही क्रिया करता है, तो मनोविज्ञान उस जो है वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। तो वैसे ही स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। इसमें उन्होंने दोनों को जोड़ा, व्यवहार को भी और अनुभव को भी। वैसे ही क्रो और क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो क्रो और क्रो के अनुसार हो गया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है मन के अनुसार। अब मन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ठीक है। मनोविज्ञान का संबंध क्या है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीकों का ही यूज करके किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति किस टाइप का होगा। नेक्स्ट है मैकडूगल। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। मैकडूगल ने कहा कि जो भी जीवित वस्तुएं हैं उनके व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।